क्या बना रही है मम्मी जी आज? बेटा के फरमाइश घुगनी, चना का घुगनी और क्या बोलते हैं अथी सत्तू का कचौड़ी। घुगनी तो अभी आप क्या कर रही हैं? की चलिए तैयारी कर रहे चलिए हैं। शुरुआत करिए। यहाँ पे आपने तिल डाला है, अब इसमें क्या डालेंगे? तो आपने इसमें कितना प्याज डाला है? 5 प्याज। तो कब तक इसे पकाना है प्याज को? नमक डालेंगे, थोड़ा मसाला डालेंगे, इसलिए कि नमक इसलिए डालते हैं कि भाई हम नमक कच्चा खाना ही पसंद नहीं करते हैं। है तो यहाँ पे हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, मसाले को अच्छे से भूनना है। सत्तू का पूरी या कचौड़ी तो कहिए। इसमें आपने क्या क्या दिया है? प्याज है, हरी मिर्च है, जमाइन है, मंगरेला है। जमाइन को क्रश करके डालते हैं ताकि टेस्ट बढ़िया बने। ये क्या डाले हैं? खटाई का बुकनी पाउडर यानी गलत हो गया बोले। लहसुन का पेस्ट, ये सत्तू है ना, ये सत्तू पाउडर, चना सत्तू, इसमें काफी है। ये नमक, अच्छे से मिला लेना है। टेस्टी मसाला बनकर तैयार हो गया है। और कुछ इसमें डालना है? अब कुछ नहीं, हो गया सारा मसाला। खास बात है कि आपके बेटे ने फरमाइश की है कचौड़ी कचौड़ी। घर में बैठा बैठी चल रहा, छुट्टी का दिन है, बरसात का समय है। तो ये क्या है मम्मी? मैदा पड़ता है, कम में करिए। ये हो रही है सत्तू की कचौड़ी की तैयारी। मम्मी ने मैदा डाला है और ये शुद्ध देसी घर का घी बना हुआ, मम्मी ने ही बनाया है। अब इसमें क्या डालेंगे मम्मी? कुछ नहीं, ये खा वाला छोटा पड़ता तो खिल भी जाता है, ज्यादा टालता भी है। इसे अच्छे से मिलाना है ताकि घी मैदा में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये मम्मी मैदा गूंद रही है, इसमें क्या डाला है? कौन वो छेना का पानी था, उसी से मैंने साला। इस
इसे अच्छे तरीके से भूनना है ताकि कचौड़ी खस्ता बने। चलो बाहर। ये आटा हमारा तैयार हो चुका है, आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। चलो आधा घंटा। ये घुगनी हमारा हो चुका है, इसमें क्या क्या डालनी है मम्मी? ठीक, काली मिर्च, गरम मसाला, कस्तूरी मेथी। इसे और पकाना है या फिर पक गया? नहीं पका हुआ है, क्या पकाएंगे। तो आधा घंटा बाद मम्मी ने आटा निकाला है। ये क्या बना रही है मम्मी? इसकी सत्तू भर के कचौड़ी है। ये छोटी छोटी लोई बना रही है, पहले तैयार कर रही हैं। अच्छे से इसे हथेली की मदद से इसे मिलाना है ना मम्मी? ये देखिए स्टफिंग के लिए मम्मी ने तैयार कर लिया है। कितना भरना है लगभग इसमें लोई में? एक से डेढ़ चम्मच। इस तरह इस तरीके से मुंह को बंद कर देना है। तो इसी तरीके से मम्मी सारे आटे को अच्छे तरीके से हाथों की सहायता से सभी छत्तों के स्टफिंग को भर रही हैं। लोई बेलकर सत्तू भर लिया है, अब मम्मी इसे छानना है। तो इसे थोड़ा बेलना भी है मम्मी। ये देखिए मम्मी ने कचौड़ी डाल दी है, ये देखिए कितना फूल गया है। ये इसे हल्का सा बेलना है ना? ये कचौड़ी हमारी तैयार हो गई है। तैयार हो गई ना मम्मी? कचौड़ी तैयार हो गया। ये मम्मी के हाथ की बनी कचौड़ी और ये घुगनी।